हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एंथनी और आज मैं फिर से आपको टेंसेस सिखाने वाला हूं। पर सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे के साथ शेयर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए, जैसे कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप अगले लेसन के लिए तैयार हो जाए और मेरे हर एक वीडियो आप फॉलो कर पाए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से सीखना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो आप हर एक टॉपिक देखिए और उसको प्रैक्टिस करना चालू करिए तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पहले तो परफेक्ट यानी ऐसी क्रिया जो खत्म हो चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी अभी खत्म हो गई, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पहले खत्म हो गई थी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो फ्यूचर में खत्म होने वाली है। ऐसा हम लोग जनरल मीनिंग ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है जो कि हमको रूल्स के हिसाब से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसी क्रिया जो अभी अभी खत्म हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ऐसी क्रिया जो अभी अभी खत्म हुई, नंबर वन। नंबर टू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसी क्रिया जो थोड़े समय पहले खत्म हुई है पर उसकी इफेक्ट, उसकी असर अभी भी चालू है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर में तुम यहां पर देख सकते हो, तुम यहां पर खड़े हो, तुम ऐसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हो जो कि नियर पास्ट में खत्म हुई, यानी उसकी इफेक्ट अभी अभी खत्म, अभी तक खत्म नहीं हुई। कुछ एक्शन ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय पहले खत्म हो जाती है पर उसकी इफेक्ट जो है वो अभी तक खत्म नहीं होती है, और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम जो कार्य रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि इफेक्ट खत्म हुई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने की जो क्रिया है उसमें उसकी जो इफेक्ट है तुम्हारे पेट में वो ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे रहती है, उसके बाद उसकी इफेक्ट खत्म हो जाती है, तो हम लोग 5-6 घंटे तक उसको नियर पास्ट बोल सकते हैं। पर तुमने घर बनाया है, बिल्डिंग का काम किया है, उसकी इफेक्ट तो तुम्हें 1 साल 2 साल कुछ लोग 5 साल तक भी बोल सकते हैं। अरे अभी अभी तो घर बनाया है, तो उसका मतलब उसकी इफेक्ट जो है वो 5 साल तक रही है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाल सकते हैं। ओके, क्रियापद कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे have, has, helping verb plus played. Have, I, we, I have played, we have played, you have played, you have played, but he, she, it has played and they have played. Okay? तो ऐसे हम लोग क्रियापद इस्तेमाल करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ऐसा हुआ कि पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन खत्म हो गई थी, पर बहुत लंबा पास्ट जो टाइम भी ऑलरेडी तुम भूल गए, क्योंकि अगर पास्ट में खत्म हुई थी और टाइम तुम्हें याद है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में डालेंगे, पर अगर टाइम नहीं याद है बहुत लंबे टाइम पहले तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में डाल सकते हैं। दैट इज नंबर वन। दूसरा है कि पास्ट में फॉर एग्जाम्पल कल ऐसे 2-3 ऐसी घटना एक साथ में घटी है, 1-2-3, तो तुम्हारे सबसे जो नजदीक की क्रिया है वो सिंपल पास्ट टेंस में डालेंगे और उसके पहले की जो क्रिया है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इंटीजर में बताया कि बहुत दूर की जो क्रिया है जो तुम्हें टाइम याद नहीं है उसको पास्ट परफेक्ट में हम लोग डालेंगे, और दूसरा जो इंटीजर है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए है। अब यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर खड़े हो, पास्ट में 1, 2 और 3 ऐसी क्रिया हुई है। ओके, तो सबसे नजदीक जो है उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में डालेंगे और उसके पहले की जो क्रिया है दोनों हम लोग दिखाते हैं तो उसके पहले की जो क्रिया उसको पास्ट परफेक्ट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट Before I arrived, the train had left. मतलब उसके मेरे पहले, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, तो मेरा पहुंचना सिंपल पास्ट में पर ट्रेन का जाना पास्ट परफेक्ट में हम लोग डालें, और वहां पर क्रियापद कौन सा इस्तेमाल होगा? Had plus played. Had everywhere remains same. I had played, we had played, you had played, you had played, he, she, it had played and they had played. ठीक है, अभी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर में ऐसी कोई क्रिया जो खत्म होने का जो टाइम है वो दिखाती है। तो मैंने यहाँ पर ऐसी क्रिया दिखाई है जो चालू हुई है और कंटिन्यू और यहाँ पर खत्म हुई है, तो मतलब फ्यूचर में ऐसी कोई क्रिया खत्म हुई है, उसका मतलब तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम ऐसी कोई क्रिया के बारे में बात करो जो खत्म होने का टाइम दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, कि कल 5 बजे तक मैं मेरा होमवर्क कर लूंगा, होमवर्क करने का काम खत्म हो गया होगा, तो उसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में कोई क्रिया खत्म हो गई। और क्रियापद कैसे इस्तेमाल करेंगे? शाल, विल प्लस हैव प्लस प्ले। ओके, तो हम लोग बोलेंगे
आई शैल हैव प्लेड और आई विल हैव प्लेड, वी विल हैव प्लेड और वी शैल हैव प्लेड, बट यू विल हैव प्लेड, यू विल हैव प्लेड, ही सी इट विल हैव प्लेड एंड दे विल हैव प्लेड। तो ऐसे करके हम लोग क्रियापद अरेंज करते हैं। याद रखिएगा टू हैव के हेल्पिंग वर्ब आएगा, टू हैव का आएगा और सभी में अलग अलग प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, टू हैव का ही रूप है, हैव हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल विल, शैल हैव और विल हैव। और जो मेन वर्ब है वो सेम रहेगा वी थ्री फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा और ये समझने का प्रयत्न करिए कि वो कहां पर इस्तेमाल होता है, आपको परफेक्ट टेंस एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये